दोस्तों लाइफ में अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। हम एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर, अगर हम इस चीज को नहीं जानते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना चैलेंज कर सकते हो। और अगर आपको अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जानना है कि मैं सबसे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, तो आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा। एक कहावत है कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर साहस हो, पर हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल जरूर होता है और उसका इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ कर सकता है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम 3 मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, पोटेंशियल। द 4 एग्रीमेंट्स में डॉन माइकल रुच कहते हैं कि हमें लगता है कि मौत हमारा सबसे बड़ा डर है, पर हमारा सबसे बड़ा डर है रिस्क लेना। हम रिस्क लेने से सबसे ज्यादा डरते हैं, पता है क्यों? इसके कई रीजंस हैं, क्योंकि इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो हमें एक डर होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो, हमें कंफर्ट से निकलना पड़ा तो, लोग क्या कहेंगे, कोई और हमारे बारे में क्या कहेगा, कुछ ना कर पाए तो, और इन्हीं सब वजहों से हम रिस्क नहीं ले पाते। और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप अपना पोटेंशियल पहचान ही नहीं सकते। आप अभी क्या हो और आगे क्या बन सकते हो, ये आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप रिस्क लेकर कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे। बुक सेल्फ में भी माइक बेयर लिखते हैं कि इस बात के लिए परेशान मत हो कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया या अभी तक आपने अपना पोटेंशियल नहीं पहचाना। सिंपली आज स्टार्ट करो, क्योंकि जो चीज आज आप करोगे ना, वो कल आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देगी। सबसे पहले खुद की केयर करो, खुद के अंदर काम करो। जितना ज्यादा काम कर लोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाओगे। आपकी असली वैल्यू क्या है, आप कितना काम कर सकते हो, आप तभी जान पाओगे। नंबर 2, गोल सेटिंग। देखिए, लाइफ में गोल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग, क्योंकि हमारे गोल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज हमें कुछ और चाहिए होता है, कल परसों कुछ और चाहिए होगा, 1-2 साल बाद हमारे गोल्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ऐसे में एक टर्म सामने आता है, गोल कॉम्पिटिशन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो गोल आप पाना चाहते हो, उसे पाने में जो रुकावट बन रही है, वो है आपके पुराने गोल्स। यानी कि जब तक आपके पास बहुत सारे गोल्स रहेंगे, किसी भी एक गोल पे आप फोकस नहीं करोगे, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका फोकस सब में जाता रहेगा। पर जैसे ही आप अपने फोकस, अपने टाइम, अपनी एनर्जी को केवल एक पे कर दोगे, तो वो गोल आप बहुत ही आसानी से पा सकते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे फास्ट तरीका है, अगर आपको अपने गोल को पाना है, तो सिंपली पॉज ऑल दी अदर थिंग्स। जो भी आपके जीवन में और चीजें हैं ना, उनको रोक दो, केवल उस एक गोल पे कंप्लीटली फोकस कर लो, उसके बाद देखना कि क्या होता है। जब आप उस पर पूरे तरीके से कमिटेड हो जाओगे, पूरे तरीके से काम करने लगोगे, तो आप उसमें सबसे बेस्ट बन जाओगे। नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हमें लगता है कि यार एक बार हम कहीं पहुंच गए, बस हो गया। नहीं, हमें चलते रहना होता है, हमें आगे बढ़ते रहना होता है, नए नए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होता है। ऐसे में हमें लगातार सीखते रहना होगा, क्योंकि अगर हमारा ज्ञान कम बढ़ गया, तो हम आगे आने वाले लोगों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। Smart people and have a great team. When something is important enough, you do it even though the odds are not in your favor. Elon Musk ने कई सारी कंपनीज खोली जिन्होंने पूरी तरीके से एक इतिहास बना दिया। SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, और इस सब का जो क्रेडिट है ना, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। Elon Musk ने सीखना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक इंसान जिसके अंदर ज्ञान है, उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर एक जगह पे सबसे टॉप पे रहेगा। सो 3 चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना है कि हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। नंबर 2, हमें अपनी गोल सेटिंग पे ध्यान देना है। एंड नंबर 3, हम कितना भी आगे निकल जाएं, हमें सीखते रहना है। हमारी सीखने की जो आदत है, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखना नहीं छोड़ते, तो लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी।